आपने अहलिया समझ, सर आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा, इजाजत है मैं अगर गेम का आगाज करूं तो मासूमाना ओवर एक छोटा सा गेम है तो उसका आगाज करें। आप मशहूर है मासूमाना सवालों के लिए। ठीक है चले तो बढ़ते हैं आज की पहली गेम की तरफ। चले भाई भाई आप ना एक सवाल हमने लोगों से पूछा 50-100 लोगों से, तो उन्होंने उसके बहुत सारे जवाब दिए। जो टॉप 4 जवाब आते हैं ना हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, लॉक करके रखे हैं। तो मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, सबसे मशवरा कर सकते हैं, और आपने गेस करना है कि लोगों ने क्या जवाब दिया होगा। तो वी विल सी कि आपका गेस सही है या नहीं है। ठीक है, सवाल बड़ा सादा सा है भाई। एक सिचुएशन है कि शादी में हमने लोगों से पूछा कि शादी में अगर रिश्तेदारों को खाना ना मिले तो क्या करेंगे वो, क्या मतलब। वैसे किसी ऐसी शादी में गई कभी ना खाना वाना? नहीं ऐसा कभी हुआ तो नहीं, खाना कम हो गया। हाँ ऐसा हुआ। हाँ तो आप महरूम रही आप खाने से? नहीं मैं तो वैसे शादियों में जाके खाना नहीं खाती। वो लोग तस्वीरें बनाते रहते होंगे तो? नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा पब्लिक गैदरिंग्स में मुझसे खाया नहीं जाता। वजह? आई डोंट नो, मैं पब्लिक गैदरिंग में नहीं खा सकती। देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात है, समझ नहीं आया लेकिन सही है। समझ नहीं आया लेकिन सही है। ये वैसे ही मॉडर्न लोग है ना, ये अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। किसका? तो ये बाजरा वाजरा खाते हैं? बाजरा खाते हैं क्या मतलब? पब्लिकली कम खाना पड़ता है ना लोगों को दिखाने, घर जाके ज्यादा खाती हूँ। घर जाके इजी हो गए, रैलियों में लपेट रही। आपका वैसे क्या ख्याल है, मशवरा दे मेहमान को क्या सवाल है भाई? शादी में अगर शादी में गए यानी आप फर्ज करें आप मेरी शादी में आए अगर, ठीक है, और खाना खत्म हो गया, हाँ मेरे रिश्तेदार तो नहीं लेकिन फर्स्ट कर लेंगे मेरे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है समझे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा आपका? और मुझे खाना नहीं मिला, खाना खत्म। 3 बजे से मैं तैयार हो रही थी, या मुझसे किसी ने पूछा नहीं, कल को आके मेरे घुटनों में बैठ गई। घुटनों? फिर घुटने कहाँ से आ गए यार बीच में? भाई मैं तो मशवरा दूंगा कि अगर कोई खाने का ना पूछे आपको तो आप हिसाबदार को गालियां दो और घर जाओ। अच्छा यार आप हर बात उनको ना, आप मशवरा बताए नाराज क्यों होने चाहिए बाद में? नाराज होंगे, नाराज होंगे कि बड़ा ऑब्वियस है, लगता है कि नाराज होंगे। अब यही कि इतना पैसा कहाँ लेके जाना, खाना तो एक्स्ट्रा बना नहीं पर करेंगे क्या है ना सवाल? हाँ, क्या रिएक्शन होगा? मारेंगे या लड़ाई करेंगे? सो आप बेसिकली कह रहे हैं तंज मारेंगे, ताने मारेंगे, नाराज होंगे, डांट मारेंगे, गॉसिप्स करेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन हम ये लॉक करते हैं कि नाराज तंज इस तरह। भाई बताएं इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ये वाला है, नाराज होना, तंज करना, ताने मारना, ये कोई ऑप्शन है ताकि पता चले कि इन्होंने जो जिंदगी भर ताने मारेंगे? बिल्कुल बड़ी बात सही। आप कोई फायदा नहीं है, बोटी मिली नहीं हमें। क्या बोटी नहीं मिली शादी पे? ठीक है एक ऑप्शन तो हो गया, और क्या हो सकता है? ये तो सही हो गया, जो साथ वाले की शादी में जाके खा लेंगे, बराबर वाले हॉल में चले, लाइन लगी हुई है ना। अच्छा तो अगले हॉल में शादी शादी छोड़ के चले जाएंगे, चले जाएंगे, नाराज होके चले जाएंगे, या लड़के भी जा सकते हैं, बट आई थिंक नाराज होके चले जाएंगे, शादी छोड़ के चले। अच्छा या फिर ऑप्शन लॉक कर दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कोई लड़की साथ ले जाएंगे, बोलेंगे इसकी दूसरी बीवी है, तोड़वा देंगे शादी तोड़वा। रिश्तेदारों की तो केयर करे भी नहीं आदमी, क्यों? ये इनके खाने तो इसके अलावा ये इनको अजीब अजीब बीमारी आती है। एक आदमी आता है उठ के बोलता है हमारी किसी ने मूवी नहीं बनाई, मेरे को याद आ गया एक आदमी, ठीक है सर, तरीका है यार। अच्छा सर सो अच्छा एक आप कह रही है, आमना कह रही है कि हम शादी छोड़ के चले जाएंगे, सही है। चलो अब हम ये वाला जवाब लॉक कर दिया, लेकिन चले ये मैं आपको बता दूं, हमने जो लोगों से पूछा है, अब बहुत है लोगों ने चूंकि उनकी शनाख्त जो होता है लोग जो है वो खुल के बताना ना चाह रहा हूँ, तो भाई इन 4 में से कोई ऑप्शन किसी ने हमें ये ऑप्शन तो नहीं दिया कि हम शादी छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। हाँ तो ये तो हो गया गलत भाई, एक पे तो आप मार दे क्रॉस, ठीक है एक जवाब सही हुआ और एक हो गया गलत। अब हिंट दे, कोई करीब करीब पहुंचाए हमें। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, मजे की हिंट है भाई, मस्त नहीं है, बड़ा आसान हो जाएगा। पैसे नहीं देंगे, वो जो सलामी देते हैं भाई, तू हमें खाना नहीं दे रहा अच्छा, हम तुम्हें भगवान ही दे रहे, लिफाफा नहीं देंगे, भगवान ही देंगे भाई। ये बताए भाई ये ऑप्शन है या नहीं? मेरे ख्याल में ये ऑप्शन में से बनता है, लिफाफा नहीं देंगे भाई। ईमानदारी से बताएं आपने शादी में सबसे बड़ा लिफाफा कितने का दिया होगा? मैंने हाँ आजकल की महंगाई के हिसाब से नहीं तो आप हम थोड़ी कह रहे उनका नाम बताएं कि आपने मुनाफ भाई को दिया है किसको दिया है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, मेरा मेमोरी लॉस हो गया। बड़े लोगों की बड़ी बात है याद ही नहीं है पैसे देके, अल्लाह करे कोई डॉलर दे, आपको याद है अमीर हो ना, हाँ कोई इतना अमीर हो डॉलर दे दिया करे, डॉलर दे दिया। सर आपने डॉलर का भी जो हाल किया आपने सर क्या किया है? तो 3 में से आपके 2 जवाब सही हो गए, एक जवाब आपने और देना है, 2 आपके। कोई हिंट? अच्छा करीब पहुंचाए हमें यार, एक और हिंट भी बड़ी सिंपल है कि खाना खत्म हो गया है, बट यू हैव मेड इट अ पॉइंट कि आपने खाना तो खाना है,
और आप बराबर वाले शादी हॉल में भी नहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे क्या करेंगे? बाहर से खाना तो खत्म हो गया ना, बाहर से मंगवा लेंगे, बाहर से मंगवा लेंगे, नहीं गेस्ट को कहेंगे, होस्ट को कहेंगे कि बाहर से मंगवा दें, प्लेटों में एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दें, आपने जरूर बाहर से मंगवाना है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दें, एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दें, और क्या हो सकता है, प्लेटों में से बचा हुआ खा लेंगे, हम खा लेंगे। अब मेरा पता है क्या मसला है, मैं दो एक्सट्रीम से फंस गया हूँ, एक तरफ बहुत ही एलीट है जो कह रही है बाहर से ऑर्डर कर देंगे, एक तरफ शदीद गरीब आदमी है बचा हुआ खा दूंगा, बीच का रास्ता भी है भाई। मैं अपनी मामा को कहूंगा, मैं अमीरों और गरीबों के बीच में मिडिल क्लास हूं, मैं न्यूट्रल, मैं अपनी मामा को कहूंगा मामा आप बॉडी मुझे दे, कुछ इनको कह रही हो आप बताइए कुछ, ऐसा बता तो दिया कल तो बहुत बता रहे थे, कल तो हमारे मेहमान उनको तो आज पता नहीं क्यों नहीं बता, जलमी की सपोर्टर थी, आप किस टीम की सपोर्टर है भाई, आप जलमी को सपोर्ट करें तो बहुत सारे हमें हमारी तरफ से आपको, नहीं भाई मैं तो कराची की हूं, तो मैं कराची की हां तो आखिरी तुक्का क्या बताया, मेरी शर्ट नहीं देखी ये कराची किंग, ओ शेर मैं समझा आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, अच्छा मुझे लगा कब से मथीरा बैठी हुई, मत शेर शेर छोड़े छोटा सा जो है आगे चलते क्या नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ऐसा खाना जो घर जा रहा हो या वो के लिए जो काम करने वाले, वो सिंपल आप हार मान लो, तो मैं आपको बताया तो हार, हम हार के हार नहीं मानेंगे, हिंट तो देना यार, हिंट दिए मैंने और मैं क्या दूं आपको, नहीं नहीं क्या दूं, नहीं आप खाना भी खा रहे हैं बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं, बराबर वाले हॉल में भी नहीं जा रहे, तो क्या कर रहे हैं यार, दोस्तों वेट कर रहे हैं, नहीं खाना खा रहे हैं ना, क्या तरीका, दूसरों से मांग के खा लेंगे, खत्म हो गई बात यार, बाकी आसपास के लोग खा रहे हैं शेयर कर लेंगे, तो उनसे बस ये आप, लेकिन पर आपने कहा कि खाना खत्म हो गया है तो शेयर कैसे करेंगे भाई, तो ये थोड़ी कि खाना आया ही नहीं था, मैं तो कहता हूँ कि ये कर लेना चाहिए इनको बटर सिस्टम के, आप बिरयानी दो और मुझसे आप शीर माल ले लो, बटर सिस्टम ऑन कर, सर ये कोई नहीं आप ये कह रहे हैं, थोड़ी चल रही है भाई, वसीम भी आप ये कह रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनाई हुई है, जिन्होंने बाजार डाली है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनी हुई है उसमें से ये पहाड़ी, ये ऑप्शन दिखाए हुए, बाकी दो ऑप्शन दिखाए आमना के, दो सही हुए दो गलत हुए, तो किसी ने लेकर खा लेंगे, एक गलत हुआ है, किसी से मतलब जो पहाड़ी वो गलत हुआ ना, आपने ताने वाला बताया और लिफाफा बताया, बाकी दो तो नहीं बताया ना, गुस्सा करेंगे तो सर वही बता, हमने तो कहा लड़ाई करेंगे गुस्सा करेंगे, ये सही है, चलो वैसे गुस्सा करेंगे सही है, गुस्सा करेंगे तीन सही मान लेते, चार सर चार हो गए ना यार, सर चारों सही हो गए ना भाई, इतना कभी आप अपने हक के लिए नहीं लड़े, नहीं यही तो है कि दूसरों के हक के लिए लड़ना है, यही एक प्लेटफॉर्म है, लड़ना पड़ता है, अगर आप दूसरों के लिए आवाज उठा करेंगे तो मुल्क के लिए आवाज कौन उठाएगा, मतलब आप इतना बिजी हो जाएंगे, मुल्क के लिए आवाज है, चार में से तीन जाओ तो वेल प्ले, ठीक है तालियां बजा देते हैं आप, तो सर वैसे ये बता दें कि ब्रेक पे जाने से पहले वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने आपकी लीडर ने कहा था कि वो बिजली की जब महंगी की थी आपने, उन्होंने कहा था बिजली की प्राइसेस वापस ले लें, आज तो सब महंगा हो गया, डॉक्टर साहब ने कर दिया, नहीं कोई तरीका नहीं है, देखो पापा की प्रिंसेस मुझे ट्विटर के ऊपर बोलती थी कि भाई ये प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, भाई ये कर लो भाई, और भाई आप खाला की उम्र की आप लेडीज हो, आप मुझे भाई बोल रही हो, पहली तो नो बॉल ये हो गई, नो बॉल कैसे हो गई, और मैं भी ये कर देता था, जैसे ये नहीं था वसीम भाई आप जा रहे हो अपनी प्राडो के अंदर, आपके पास तो तीन चार है ना प्राडो, इसके ऊपर टैक्स लगाओ, अच्छा बात नहीं है, आप जा रहे हो एक बाइक वाले का स्टैंड है, आप बिना वजह में होशियार बन के बाहर निकल गए, भाई स्टैंड उठा लो, वो भी ये कहता कि हाँ ठीक है, आप भी ये वाली हरकत, तो मैं भी ये कहता था कि हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, सुनता बोलता नहीं था पापा की प्रिंसेस की, सर लेकिन मुझे बताया बस आवाम बहुत परेशान है आज, बाकी 170 रुपए के टाइम आवाम किस तरह बचत करें, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, एक घर है आप बताओ सिनेरियो, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपए कमा रहे हैं जी, और खाने वाले 10 लोग हैं, तो ये क्या किस तरह ये उसको चाहिए कम से कम बच्चे पैदा करे, यार अब तो 10 हो गए हैं ना, मतलब अब तो हो गया क्या, 10 लोग खाने वाले, 10 खाने वाले और 100 रुपए कमा रहे हैं, क्या करे, फॉर एग्जांपल 100 का है मैंने, पहले तो सबसे पहले अगर 10 लोग है ना, हाँ 3 को तो आप टपका दो, क्या बात है, हाँ तकिया रख के मारो, आपको किसने कहा कि किसी को हायर करो सुपारी, तो नहीं तकिया रखो ऊपर बैठ जाओ, बंदा ठंडा हो जाएगा दो मिनट क्यों, और ज्यादातर कोशिश करो कि 40 साल की उम्र से ज्यादा का जो आदमी है ना उसको टपकाओ, वजह क्योंकि उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, तो इसीलिए तो 100 रुपए, इसीलिए बाकी लोग, हाँ जी पहले तो ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है ब्रेक ले ले, चलो सर मैं ब्रेक की इजाजत दे, इसके अलावा भी मेरे पास तरीके, आप पूछना मुझसे मैं बताऊंगा, वो क्या 10 में से 3 तो गए 7 बजे, अभी जो 2 है ना बड़ी उम्र का आदमी, जो अगर दादाजी है वो बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, तो इनकी खांसी की दवाई ऐसे गायब करो कि खांस खांस के खांस खांस बजट में आए, वो बजट में आए, तो बड़ी ये तो रूथलेस बात हो गई, तो देखो ना हर चीज पे टैक्स लगा दिया, इस आदमी ने गालियां मैं सुनूं, ये कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने का इसने बात की है,
कि अगर किसी की शोशा वाली कबर है, थोड़ी बड़ी कबर है, तो इसके ऊपर टैक्स लगाओ, यानी कि नो बॉल भी हो रही है, क्योंकि कबर ये है, ये थोड़ा नो बॉल कबर में, नो बॉल स्टेप आगे आ रहा ना, एक लंबा स्टेप आ रहा है। लेकिन वसीम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टैक्स लगाना ही था ना तो रिश्वत पे टैक्स लगा दे ताकि मुल्क के कर्जे उतर जाते। आपने कहा मिडिल क्लास हो, आपके ऊपर इतने टैक्स लगे, इतने टैक्स लगे कि आप भी गरीब हो जाओ। नहीं मैं बड़ा बड़ी गहरी बात है, आप लोग मैं एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी गेम की तरफ। आपने इलियास हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं हम दोबारा, हम बढ़ते हैं अपने मासूमान ओवर की दूसरी गेंद की जाने। ये आमना कुछ शेर व शायरी से कुछ शौक है, कुछ सुन लेते हैं, कोई सुना दे हमारी शान में, सुना भी देते हैं, कोई सुना दे। मैंने कहा तू अच्छा, आपने सुनाया कभी किसी को? मैं बिल्कुल नहीं सुनाया। अच्छा सुने बहुत है। अच्छा आप लोगों ने बहुत सुना है, सुने आपने जिंदगी में बड़े बड़े लोगों से शेर सुने होंगे, लेकिन मैं आपको अभी जो शेर सुनाने लगा हूँ ना, मैं कहता हूँ आपने के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि ये शेर सुनाने वाले कोई आम इंसान नहीं है। अच्छा केला इंसान? ओहो जी केला इंसान के क्या मतलब है यार इस बात का, ना आम इंसान नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये जो है वो बहुत इन्होंने बहुत सारे शायरी के दीवान पढ़े हैं। जी जी। और शायरी का आपको 550 साल का तजुर्बा है। अच्छा। आप पहले शेर सुनो, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। आए एक जबरदस्त शेर सुनते हैं, एक जबरदस्त सी पर्सनैलिटी है। सुनाए सुनाए। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कैसा? वाह 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 वाह, मजा आया भाई। क्या शेर पढ़ा अंकल सरगम ने, क्या शेर पढ़ा यार। ये सिंध के वजीर आला रहे कायम अली शाह साहब, बहुत अरसे तो उन्होंने सर्व किया है। अच्छा, क्या तो शेर उन्होंने पढ़ा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई। अच्छा मैं इससे पहले के सवाल को भाई, आपका कोई कोई शेर जो आपको याद हो, कोई भी एक शेर, जिस जिसको शेर याद है हमारे पैनल में से एक एक शेर सुनेंगे, फिर आप लोग फैसला करेंगे सबसे अच्छा शेर किससे सुनाया। पहला शेर, चलो पहला इनको सुनाना ना। सुनाओ भाई, जरा रोमांटिक है, रोना नहीं है आप लोगों ने। यार सुनाए यार। और तमीज का शेर, तमीज का शेर। हाँ मैं सुनाए, अब मैं उल्टी कर दूंगा। अच्छा सुना दे यार। मेरे यारों हाँ, उसकी गली से मेरा जनाजा ना लेके जाना। ये आमना फोन पर जवाब पूछ रही है लोगों से। नहीं क्या बात। हाँ आमना इलियास ने चीटिंग शुरू कर दी, जवाब पूछना शुरू कर दी। शेर कौन सा जवाब, कुछ कुछ जवाब थोड़ी पूछ। अच्छा फोन के इस्तेमाल पे पाबंदी है, वरना फोन छीना जाता है। एक महबूब है और एक अयाज है। अभी सवाल तो आएगा। अच्छा आएगा। हाँ शेर सुना, शेर सुना, जल्दी सुना है भैया। मेरा जनाजा उसकी गली से ना लेके जाना यारों, उसकी माँ देख के कहेगी जाते जाते फिर राउंड लगा गया। ये पढ़ ये शेर सुनाया आपने। मैंने उससे प्यार, बस हो गया आपका, एक शेर सुनना है, दो नहीं सुनना। मैंने उससे प्यार, बस आप सुनाएंगे सर? मैंने उससे बस वो सुनाएगा यार, अर्ज किया है जी इसे मेरा। इसमें शायरी का मैं बॉडी लैंग्वेज देखने वाली। अच्छा ठीक है, बहुत प्यारी शायर ने कहा है कि ए इसहाक धार दिखा ना तू मुझे भरम। अच्छा ए इसहाक धार दिखा ना तू मुझे भरम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाह 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 वाह, पूरे शायर लोग लग रहे यार। आप सुना दे कोई शेर, मैंने फैसला करवाना है कि किसका शेर ऑडियंस को, मैं आवाम का जो है ना जौक देखना चाह रहा हूँ। मुझे लगा बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर आ रहा है मेरी। अच्छा छठी हिस्सा ठीक है, यूनुस भाई को लग रहा है कि वो अच्छा शेर। कल मुझे रोना आ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे रोना आ रहा है, लेकिन आज आमना के बैठने लग रहा है कि आज मुझे अच्छा शेर। हाँ जी आमना आ गई। इरशाद 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 सलमान इरशाद इरशाद। हाँ उसे मेरा ख्याल है। खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है भाई। वाह। उसे मेरा ख्याल है, फकत मेरा ख्याल था। वाह 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 वाह, इतनी ये तो मैं भी अभी पहुंचा हूँ उसमें, महमूद अयाज पे पहुंच गई है। ओ भाई उसे मेरा ख्याल है, फकत मेरा ख्याल था। भाई इतना बड़ा शेर सुना दिया, कल की छुट्टी हो गई। कल छुट्टी है। ये कौन इतना चौड़ा चल रहे, तो हमने इलियास को भी लिफ्ट नहीं करा रहा है, जिनके लिए शेर कह रहे हैं कि उसे मेरा ख्याल है फकत मेरा, ये वैसा शेर है। अब मैं भी सुना, आपने फैसला करा, चार शेर होंगे, एक आपका एक आपका एक आपका एक मेरा। अर्ज किया है भाई, आप एक शेर सुनाने की हो रही, दो नहीं हो रहे। ये उस तरह का शेर है, अगर वो पूछ ले हमसे, खत्म नहीं हुआ अभी। अच्छा अगर वो पूछ ले हमसे
तुम्हें किस बात का गम है? टैक्स का। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले अब ऑडियंस आपने ईमानदारी से फैसला करना है तालियां बजा के, जिनके ख्याल में सबसे अच्छा शेर आदि भाई ने सुनाया तालियां से बताएं, समझ गए होंगे आप, जिनके ख्याल में मिफ्ता साहब ने सबसे अच्छा शेर सुनाया इसाक डार के लोग हैं, जिनके शेर जिनके ख्याल में आमना साहिबा ने सबसे अच्छा शेर सुनाया, ये लड़कों पे मौत पड़ती है, जिनके ख्याल में मैंने कोई अच्छा शेर सुना, ये दिख गई है गवर्नमेंट दिख गई है थर्ड पैर पे जाऊ मैं, ये ऑडियंस ये बिक गई ऑडियंस, कभी आपको हारने नहीं यार, ईमान से हमारा कोई मैच फिक्स नहीं है क्या भाई, हो गया आवाम का फैसला आ गया भाई, कोई बात नहीं वसीम भाई, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जी, मैंने उससे भाई बस खत्म हो गया शेर, लेकिन सवाल ऑडियंस ने पता क्यों साथ दिया, क्यों भागे नहीं आज, उन्होंने कहा यहाँ से जितवा दे, अच्छा भाई हमने ये शेर है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा, सो दो कैरेक्टर्स हैं इस शेर में, एक का नाम है महमूद एक का नाम है अयाज, सवाल आपसे जिसकी ये दोनों जवाब देंगे इनमें से एक आदमी सही जवाब दे रहा होगा कि महमूद और अयाज कौन है, ये दो कैरेक्टर्स कौन है, ये सवाल है ठीक है, और आमने ऐसे हंस रही है ऐसे मैं पता नहीं है सर, पहले कि आप पूछें किससे पूछने के कौन जवाब बताए, बजट से जी, बजट सर, बजट सर आपका नाम रखे बजट सर, देखिए ये जो महमूद था ना ये बिल्कुल ऐसे था जैसे इसहाक डार, सर आप इसहाक डार से तो निकले क्या कर रहे हैं आप, और जो अयाज था वो मेरी तरह का एक गरीब आदमी था, अच्छा महमूद एक अमीर आदमी एक आका था, ये उसका गुलाम था, अच्छा ये दोनों साथ पले बड़े बड़े हो गए और इनकी रियासत में डॉलर जो है पता नहीं कितने पे पहुंच गया, डॉलर को छोड़े अच्छी है, फिर ये एक शादी में गए, उस शादी में खाना जो था वो था ही नहीं, जो अभी आप दिखा रहे थे ना थोड़ी देर वो खाना नहीं था, बाकी सारी फजूल बातें कर, इसका मतलब कि आपका जवाब ये है कि महमूद कौन था, बादशाह था, महमूद बादशाह था, ये अच्छा ये जब गए ना खाना खाने वो खाना था नहीं वहाँ पे, तो वो दोनों एक ही कतार में शीरमाल की कतार थी, अच्छा। इधर खड़े हो गए दोनों, इसने कहा कि मैं आपको फिल्टर करके देता हूँ जवाब, तो इनका एक मामू थे जानने वाले नून लीग में थे वो, बस सर मैं समझ गया, मैं आपका जवाब आ गया भाई, वो ये कह रहे हैं कि महमूद और अयाज जो है ना वो बादशाह और गुलाम थे ठीक है, इनमें से एक आदमी बादशाह है, तो इनके मतलब इनके ख्याल के मुताबिक शेर का मतलब है कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बादशाह और गुलाम एक ही सप, ये इनका जवाब ठीक है, आप बताएं बगैर इधर उधर जाए, महमूद और अयाज जो हैं वो दो भाई थे, अच्छा इन्होंने डाली एक छोटी सी दुकान साइकिल के पंचरों की, मैं आपको फिल्टर करके दे दूंगा जवाब, लेकिन वो पंचर लगाते लगाते एक दिन एक भाई का जो उंगली है हाँ। वो आ गई चेन में, तो जब चेन में आई तो उसने कहा अयाज, तो अयाज आया पीछे से ना, पीछे ये पीछे से अयाज आया, उसने कहा हाँ भाई हाँ। क्या सीन है, तो उसने कहा हाथ कट गया, अच्छा दोनों गए हैं हॉस्पिटल, अब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक है, उनको भाई सवाल था कि महमूद और अयाज कौन है यार, ये बहुत अच्छा दो भाई बताया क्या कह रहे हैं, दो भाई हैं महमूद और अयाज दोनों भाई थे, अच्छा एक था रिच, ओके लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, वेरी एक्सपेंसिव पर्सन एंड अदर वाज वेरी चीप पर्सन, अदर इज लाइक अ पाकिस्तान वेरी पुअर राइट नाउ, ओके ठीक है, तो एक अमीर भाई था एक गरीब भाई था, ठीक हो गया, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा, बस आगे समझ में, आगे मैं समझा दूंगा, एक ही सब में खड़े हो गए शहबाज और नवाज, ठीक है नहीं वो तो आसिफ और नवाज खड़े हो गए ना आज के लेकिन, सो ये कह रहे हैं कि महमूद और अयाज दो भाई थे, उनमें से एक बहुत अमीर दूसरा बहुत गरीब था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का यानी अमीर भाई गरीब भाई का ख्याल रखता था, तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, सो अब आपने बताना है कि भाई थे अमीर गरीब भाई या आका और गुलाम, आपका वैसे क्या ख्याल है, मशवरा लेने से पहले यू आर अलाउड टू टेक मशवरा, आई थिंक भाई वाला, आपको लग रहा है भाई वाला गया सही हो गया, आपका भी ख्याल है हो गया हो गया हो गया इनका लोग, अच्छा आपका क्या मशवरा है, बस जो ये कह रही है जो ये कह रही है उसके साथ है लेकिन इनका काम हो गया, अच्छा गलत हो गया है,
नहीं मशवरा करेंगे तो बताऊंगा ना। ये मुझे लग रहा है जाते आपसे उधार भी मांग लेंगे। आपने पूछा कि आपके ख्याल में क्या है, तो मेरे ख्याल में भाई है। अभी तो इनका ख्याल चल रहा है ना, अभी मैं आपसे इनके ख्याल में भाई, आपको नहीं कहा, आपका मुंह क्यों बन गया, आपको भाई नहीं कहा, मैं ख्याल मुझे लगता है कि भाई भाई बहन भाई बहन तो नहीं कर रहे भाई 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 का है। अच्छा भाई 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 का है, मुझे लगता है कि वो है। अच्छा वो दूसरे वाले भाई है, यानी आपका गुलाम है। बादशाह एक गुलाम। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। इधर भी एक आदमी बैठा हुआ है जी सर, जस्ट इन केस, क्योंकि आपने देखा नहीं पूरे शो में मेरे ख्याल से। नहीं, मैं आका और गुलाम के साथ जाना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करे ना। नहीं नहीं, आप मेरे बता दें इनको, वो तो बता दें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड माइनस है, हमारा माइनस है, माइनस है, वो ट्रस्ट करते हैं। हम आपको अब आपका ख्याल है कि ये जवाब सही है, दोनों मेहमानों का ख्याल है कि ये जवाब सही है। आका गुलाम वाला 5 सेकंड देते हैं, अब आप डिसाइड करने के, आका गुलाम या दो, 5 सेकंड हियर वी गो, 5 दोनों भाइयों, नहीं भाइयों वाले ऑप्शन का इंतखाब कर लिया, भाई भाई वाले। और दोनों का ऑप्शन, आप लोगों ने मुझे गलत करा दिया, मैं बता रही हूँ गलत जवाब। अच्छा एक मिनट, अब भाई अब जवाब हो गया ना, मतलब शो में आगे भी कुछ कर ले, माइंड ना करें, इसी को पहले क्लियर करें, आगे फिर जाएंगे। पहले अभी बता रहे ना, सो इन दोनों का ख्याल है कि महमूद और रियाज आका गुलाम थे, और आमना का ख्याल है कि भाई भाई। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप। आप एक बस जवाब बताएं कि हमारी जो आज की गेस्ट है उन्होंने ये जवाब दिया। हमारी आज की गेस्ट ने कहा है कि महमूद और रियाज भाई थे जी, ठीक है। ऑडियंस के ख्याल में ये जवाब सही है या गलत, ऑडियंस का भी ख्याल है कि आमना का जवाब गलत है, नहीं चेंज कर सकते। यूनुस भाई का भी नहीं, चेंज नहीं करते यार आप, हम मेहमान चेंज कर देंगे, अब आपने बताया बता रहा हूँ। मेहमान नहीं, मेजबान। हाँ ये तो मेजबान यार, सही है। सो खवातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमना इलियास साहिबा जिन्होंने यूनुस भाई और कामरान भाई दोनों की नहीं सुनी, इन्होंने बहुत ठीक किया, ये एक अलग बात है, क्योंकि उनको वैसे भी इनकी नहीं सुननी चाहिए। लेकिन जवाब इन्हीं दोनों का सही था, आमना का जवाब गलत हो गया है। मैंने आप दोनों ने मुझे कंफ्यूज किया, इन दोनों हम ने कह भी रहे थे, मैं बजट में भी ठीक था। महमूद रियाज आका और गुलाम थे, भाई नहीं थे। आप दोनों भाइयों को मैं माजरा चाहता हूँ। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश।